Good morning, my dear students of class 8. Today we are here to discuss the first lesson from social science, and that is history and its importance. History. जूनियर क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा हिस्ट्री एंड इट्स रिसोर्सेज और सोर्सेज वी कैन से इन अदर वर्ड. जैसे जूनियर में 7 में 6 में हम लोगों ने पढ़ा कि हिस्ट्री के जानने के और समझने के सोर्सेज क्या. बट ये अभी हम जो पढ़ेंगे थोड़ा डिफरेंट है वो, कि इम्पोर्टेंस क्या हिस्ट्री का, यानी व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री एंड व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री. हमें क्यों पढ़ना चाहिए और इम्पोर्टेंस हमारी इस डे टू डे लाइफ में हिस्ट्री का क्या है. नेक्स्ट हमें ये पढ़ना है इस लेसन में कि हु आर द हिस्टोरियंस, इंडियन हिस्टोरियंस कौन कौन हैं, फॉरेन हिस्टोरियंस कौन कौन हैं. हिस्ट्री को हमने जो बांटा है या बड़े बड़े हिस्टोरियन ने 3 हिस्सों में इंडियन हिस्ट्री को, मेडिएवल ये सॉरी एंशियंट मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तो उनका अपना अपना इम्पोर्टेंस क्या है. तो इन शॉर्ट पीरियडाइजेशन, एक और चीज़ पढ़ेंगे पीरियडाइजेशन. पीरियडाइजेशन कहते हैं हिस्ट्री को पीरियड वाइज उसका क्लासिफिकेशन करना. वो हिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन हुआ है हमारे हिस्टोरियन ने जो क्लासिफिकेशन किया, इंडिया के हिस्टोरियन ने, इंडियन हिस्टोरियन ने, वो अलग ढंग से किया. और ब्रिटिश के टाइम में जो ब्रिटिश थे यहाँ पे अंग्रेज थे, उन लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया वो अलग ढंग से किया. उन्होंने धर्मों पे आधारित इसका क्लासिफिकेशन किया. उन्होंने ये कहा कि ये मुस्लिम हिस्ट्री, क्रिश्चियन हिस्ट्री और हिंदू हिस्ट्री एंशियंट को, जो गलत है. तो एंशियंट तो हम लोगों ने उस तरह से किया. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ हिस्टोरियंस इन इंडिया. तो इंडियन हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द रूलर्स एंड द ब्रिटिश हिस्टोरियंस दे डिवाइडेड हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन. ये पढ़ेंगे हम लोग. फिर पढ़ेंगे व्हाट इज कॉलोनियलिज्म. कॉलोनियलिज्म क्या है. कॉलोनियलिज्म का मतलब ये हुआ कि कॉलोनीज जो यहाँ पे खुली इंडिया में, आए लोग यूरोप से, आए फ्रांस से भी आए, यूरोप में ब्रिटिश से आए, उसके बाद में फिर आए डच लोग आए और अपनी अपनी कॉलोनी यहाँ पे खोली. कॉलोनी खोली मतलब, और ट्रेडिंग का कारोबार था, व्यापार कर रहे थे, इंटरनेशनल व्यापार था. यहाँ भी इंडिया में भी ये लोग डच आए, पुर्तगीज आए और फिर उसके बाद ब्रिटिश भी आए, फ्रेंच भी आए, एंड दे हैड बीन फॉर द फर्स्ट टाइम एज ट्रेडर्स. बट आफ्टर सम टाइम्स दे जस्ट टर्नड ओवर एंड दे बिकेम द रूलर्स. तो पहले तो ट्रेडर आए, बाद में रूलर बन गए, तो इसे भी हमें पढ़ना है. अब इंफॉर्मेशन इन हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फ्रॉम वेयर एंड हाउ वी गेट दिस हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन ऑफ दिस हिस्ट्री एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द सर्वे. सर्वे जो होता है, टाइम टू टाइम जो सर्वे होता है, इसका व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस इन हिस्ट्री. सर्वे का इम्पॉर्टेंस, इसकी प्राथमिकता क्या है, इसका महत्व क्या है, अहमियत क्या है इसकी हिस्ट्री में, ये भी पढ़ेंगे हम. और लास्ट पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. ड्रॉबैक्स कहते हैं निगेटिव आस्पेक्ट, ये हमारे इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड का क्या है. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट डेट्स. डेट्स जैसे कहते हैं हमने इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947. तो इसका डेट्स इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री में क्यों है. इसलिए है कि हमारी डे टू डे लाइफ में विदाउट डेट वी कांट अंडरस्टैंड हिस्ट्री. कि कोई चीज घटनाएं घटी हैं हमारी पहले, उन घटनाओं का अभी से क्या ताल्लुक था. हमने 26 जनवरी 1950 को अपना कानून मिला, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, उससे पहले हमारी भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी. 1920 में हमने नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, असहयोग आंदोलन किया शुरू. उसके बाद फिर हम लोगों ने 1922 में उसका अंत होता है, चौरी चौरा के जो घटनाओं के बाद फिर हमारा सॉल्ट मार्च होता है. ये सारी घटनाएं हैं. तो ये घटनाओं में अगर डेट नहीं होगा तो घटनाओं का अंजाम अच्छा नहीं होगा. हम नहीं समझ पाएंगे कि क्यों जो है इन सब चीज़ों की हम कैसे हुई इन सब चीज़ें. मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री इज सिनोनिमस विथ डेट्स. डेट्स इन हिस्ट्री आर समटाइम्स डिबेटेबल.
history is an insight into the past and how changes have occurred. Means the dates are very, very important to know about the history. Without dates, we can't understand history. Short mein yahi samajhna hai. Most of the time we take things for granted, but sometimes certain things make us wonder about the past. For instance, when we visit heritage sites, we start thinking about the past and the culture during the. हम कहीं जाते जब suppose करो हमने class 7 में और 6 में पढ़ा था Indus Valley civilization. Under this civilization, we studied also Mohenjo-daro and Harappa. These two cities were discussed during those periods. तो अगर हम वहाँ पे जाते हैं, exact date तो है नहीं, centuries के बारे में है कि ये प्राचीन सभ्यता है भारत की, ठीक है? बल्कि दुनिया में भी है. Indus, जब हम world history पढ़ेंगे, तो हम भी will study so many cultures and civilizations there. उसी में हम लोग पढ़ेंगे Mesopotamia, Egypt civilizations, Egypt civilization, Egyptian civilization, Chinese civilization. उसके बाद पढ़ेंगे हम वहाँ पे Indus Valley civilization. ये सारे civilization हैं, यानी time to time जो है लोग कैसे आए, लोगों की culture, लोगों की तहजीब और तमद्दन, लोगों का खान पान, इसमें change आया, बदलाव आया, ये सब सिलसिला, इसी को हम कहते हैं civilization और culture. तो एलोरा और अजंता के हम अगर केव में गुफाओं में जाते हैं देखने के लिए, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आएगी कि व्हेन दीज पेंटिंग्स वेयर क्रिएटेड, कैसे ये पेंटिंग्स क्रिएट हुई, कब क्रिएट हुई. तो यहाँ पर डेट्स हमारे दिमाग में, तो इसीलिए विदाउट डेट्स हम नहीं समझ सकते, इसलिए डेट्स हमारे समझने को आसान बनाता है, तारीख जो है आसान बनाती है. इसीलिए डेट्स सिनोनिम्स कहा गया है इम्पोर्टेंट हिस्ट्री जानने के लिए. Time can't be dated, a particular year of month. Sometimes processes take place over a period of time. In the same way, we can't fix an exact date for when the British started ruling India. अब हम देखते हैं 1601 ईस्वी में इंग्लैंड वाले यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके भारत आए, यानी in the beginning of the 17th century. अब कई किसी किसी किताबों में लिखा हुआ है इट वॉज द फर्स्ट जनवरी, और कहीं कहीं 31st जनवरी भी है, कहीं कहीं फरवरी भी है, रेफरेंस बुक में है ऐसा. तो डेट्स है तो हमें समझ में बात आ गई कि हम वहां पे इसलिए हम उसको हम समझ लेंगे आसानी से कि डेट्स है तो हमें समझ में बात आ गई कि इतने टाइम पे ये लोग यहाँ पे आए एंड दे स्टार्टेड देयर ट्रेड. उसके बाद फिर हुआ हमारा सिलसिला. तो ये हमारे पास में why do we associate history with the dates? There is a very simple explanation for this. In the past, history was an account of battles that was fought and other important events. Historians wrote about events like the year of kings was crowned, the year of merit, the year he had child, the year he fought a particular war, the year he died. ये सारी चीजें जैसे हम कहते हैं कि बाबर आए यहाँ पर 1526 ईस्वी में, but the date is not confirmed. Year confirm है 1526 AD में वो आए, और जो लास्ट रूलर थे इंडिया के इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में उन्होंने शिकस्त दिया, हराया, और उसके बाद वो ही बिकेम द रूलर ऑफ इंडिया. तो आसानी से समझ बात आई 1526 वो चला आ रहा है कि वेन मुगल इस्टेब्लिश्ड मुगल एम्पायर इन इंडिया. बाबर बिकेम बाबर एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया. और इस तरह से हमारे पास में ये है हिस्ट्री टेल्स अस हाउ एंड व्हेन सर्टेन इवेंट्स टुक प्लेस, हाउ पीपल एंडेड, हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड, हाउ कैसे लोग रहते थे उस जमाने में. अब हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता जो पढ़ते हैं देखते हैं कि लोग रहे बहुत बड़े पैमाने पर, और जब भी रहे लोग तो कल्चर उनका अलग था. आज हमारा कल्चर अलग है, हमारा इंडिया है, सदर्न कल्चर हमारा बिल्कुल अलग है, खान पान अलग है. उसके बाद हमारे पास में
ईस्टर्न कल्चर बिल्कुल अलग है, मेलन अलग है, वेस्टर्न कल्चर हमारा अलग है, हमारे कपड़े अलग हैं, हमारे खाने पीने का स्टाइल अलग है, हमारा पहनावा, हमारी भाषा अलग है बोलने की, लेकिन इंस्टीड ऑफ ऑल दिस डिफरेंसेस वी हैव यूनिटी एंड दैट इज इंडिया, हम रहते हैं इंडिया में सारी चीज़ें। तो यही चीज़ हमें बताता है, डेट्स जो है हमें बताता है कब हमारा कल्चर क्या था, कैसा था। अब मुगल के पीरियड में हम देखते हैं तो हमारे पास में किस तरह के कारोबार थे, कैसा व्यापार था, और अभी हम देखते हैं हमारा कैसा है। तो ये हम डेट से ही पता करते हैं कि हिस्ट्री में डेट्स का होना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, विदाउट डेट वी कांट अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री। व्हाट मेक्स डेट्स इम्पोर्टेंट, अब इसमें हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स की बात आती है। 1773 ईस्वी में द फर्स्ट गवर्नर जनरल बना करके ये भेजे गए थे इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी में। तो बिकॉज ए पर्टिकुलर इवेंट डैट अकर्ड ऑन डैट डे, अगर हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, मेरे दिमाग में एक बात जाती है कि वही डेट 15 ही अगस्त को हम आज़ाद हुए, 12 अगस्त को नहीं हुए हैं हम आज़ाद, है ना। तो इसीलिए हमारे पास में इस तरह की बातें डेट के बाद ही आती हैं। यहाँ पर ये भी हुआ एग्जाम्पल कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ, बिकॉज इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन डैट डेट, यही हमारे पास में। और इसीलिए 1773 को जब ये आए हमारे पास में फर्स्ट गवर्नर जनरल होकर के, तो हमने समझा यही डेट यही ईस्वी है कि 1773 को ये आए, इससे पहले नहीं आए न इसके बाद में आए। व्हेन हिस्ट्री इज रिटन इट इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स एंड पीरियडाइज, और जब भी लिखा जाने लगा हिस्ट्री तो इसको पीरियडाइज कर दिया गया, इसको बांट दिया गया, और बांटने के बाद हिस्ट्री में, तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि हिस्ट्री को दो इंडियन हिस्टोरियंस ने दो तरह से बांटा है, एक तरह से इंडिया और एक ब्रिटिश के हिस्टोरियंस ने बांटा है, और इस तरह से दो तरह का ग्रुप है इसमें। एक ग्रुप कहता है कि इसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ द जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूल, इस तरह से बांटा है। अब इसमें हम देखते हैं अदर हिस्टोरियन डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इंटू थ्री पीरियड, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री हिस्टोरियन ने जो बांटा है वो एंशियंट हिस्ट्री, इंडियन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद ब्रिटिश रूल जो इंडिया में आया उन्होंने बांटा कि इसको कर दिया मुस्लिम इंडियन हिस्ट्री, हिंदू इंडियन हिस्ट्री पहले किया, बाद मुस्लिम इंडियन हिस्ट्री का जिसमें पूरा बलबन यानी स्लेव डायनेस्टी मुगल पीरियड है, और बाद में दिया उन्होंने अपने टाइम में यानी जिसको क्रिश्चियन एरा क्रिश्चियन हिस्ट्री यानी कि ब्रिटिश हिस्ट्री किया, उसका नाम दिया यहाँ पर। अब हाउ डू वी, इसमें किस तरह से किया है, जेम्स मिल एक बहुत बड़े राइटर हैं और एक स्कॉटलैंड के स्टॉक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी हैं। इन्होंने 3 वॉल्यूम में किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में, एक इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था, किताब का नाम है अभी वो किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1817 में ये किताब उन्होंने लिखी है। उसमें हिस्ट्री को डिवाइड किया है, वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स बिकॉज वी वांट टू हाईलाइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड, मेल वाज द व्यू ऑफ दैट एशियन वी आर लेस सिविलाइज्ड देन यूरोपियंस। इतनी गंदी बात, हम ये समझते हैं और हमने पढ़ा भी और मैंने पढ़ाया भी है कि जब ब्रिटिश यहाँ पर होते थे तो ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन भी हुआ करते थे, ब्लैक मार्केट व्हाइट मार्केट भी हुआ करते थे, ब्लैक ट्रेन व्हाइट ट्रेन, ब्लैक मार्केट व्हाइट मार्केट, ब्लैक स्कूल व्हाइट स्कूल, है ना। ये सारी चीज़ें हमें उन्होंने बांट दिया था हमारे कलर के हिसाब से, वो अपने को कहते थे व्हाइट, अपने को कल्चर्ड कहते थे, हमें अनकल्चर्ड कहते थे, वो अपने को सिविलाइज्ड कहते थे, वो नंगे कम कपड़ों में रहते थे वो सिविलाइज्ड हो गए, है ना, और हम ज़्यादा कपड़ों में रहते तो अनसिविलाइज्ड हो गए, ये उनकी सोच थी। यहाँ पर भी क्लियर इन्होंने दिया है कि 1817 में जो इन्होंने किताब लिखी नियर अबाउट 200 साल पहले, क्या लिखा उसमें कि एशियंस वेयर लेस सिविलाइज देन यूरोपियंस, हम लेस सिविलाइज्ड हैं, हमारे खाने पीने का ढंग नहीं आता, हमें कपड़े पहनने का ढंग नहीं आता, हम अनकल्चर्ड हैं, उनको बहुत ढंग आता है, एशियन में आ गए, इंडिया पाकिस्तान एक ही था और हमारे पास में बांग्लादेश भी था शामिल, बल्कि सब कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं, ये कहते थे वो जेम्स मिल, और उन्होंने जो किताब लिखी और जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ
ब्रिटिश इंडिया इन 1817 में लिखी। उसमें उन्होंने क्या किया, हिज बुक शोज द पीरियड बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज वन ऑफ डार्कनेस। अब बताओ, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले इंडिया के बारे में लिखा कि ये डार्कनेस है, अंधेरा, एजुकेशन वाज नॉट हेयर, कल्चर कुछ नहीं, जीरो में, हम बिल्कुल अलग थलग के लोग थे, वो बहुत पढ़े लिखे थे भाई, ऐसी बात तो नहीं थी। उस जमाने में भी हमारे पास में बड़े बड़े दिमाग वाले होते थे भाई, लेकिन उनका उनकी सोच थी। और मिल वाज ए लैंड रूल्ड बाय मुस्लिम, और उसके बाद ही सेड इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय रिलीजियस। तब उन्होंने क्या किया कि हिस्ट्री को कैरेक्टराइज कर दिया, और हिस्टोरियंस इंडिया हिस्ट्री और ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज, तो कर दिया उन्होंने कि हिंदू पीरियड, और उसके बाद कर दिया ब्रिटिश मुस्लिम पीरियड, और फिर बना दिया तीसरा ब्रिटिश पीरियड। इस तरह से हिस्ट्री को कैटेगराइज कर दिया, और हमने कर दिया अनकल्चर्ड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, अनएजुकेटेड हैं, इस तरह से हमें बर्बाद कर दिया। व्हाट इज कॉलोनियल, अब एक आ रहा है हमारे पेज नंबर 4 पे ही आ रहा है, व्हाट इज कॉलोनियल, कॉलोनियल किसे कहते हैं, अब इसको समझ लो। द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स एंड ग्रेजुअली एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एज कंकरर्स बाय सबजुगेटिंग लोकल राजाज एंड नवाब्स। लोकल राजा और नवाब को मिला करके अपने गुड बुक में करके इन्होंने वहां के रूलर बन गए, लेकिन आए थे ये पहली बार ट्रेडर बनकर के आए थे। दे हैड बीन इंडिया एज ट्रेडर्स बट लेटर ऑन दे बिकेम रूलर्स, यही आता है हिस्ट्री की किताबों में। लोकल राजा एंड नवाब, देन दे एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट देयर एक्सपेंसेस। मीट कहते हैं, वर्ब है हमारा मीट कहते हैं, अपने अखराजात को पूरा करने के लिए वो टैक्स और रेवेन्यू वसूलते थे इंडिया से, नए नए टैक्स लगाए, नए नए उन्होंने, और उसके बाद इंडिया के फार्मर्स को, इंडिया के बिजनेस मैन को, सबको परेशान किया, और हमारे पास में रहने लगे, और काफ़ी दिनों तक इन्होंने हुकूमत किया यहाँ पे इंडिया में। देन दे एस्टैब्लिश कंट्रोल कर लिया इकोनॉमिक पर, और हर चीज़ पर, अबाउट गुड्स एट लो प्राइस इन प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड दे वांटेड टू एक्सपोर्ट। ब्रिटिश रूल ब्राउट अबाउट चेंजेस इन वैल्यूज एंड कस्टम एंड प्रैक्टिसेस अक्रॉस मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, थोड़ी बहुत तरक्की हुई, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ इंडिया का, लेकिन इन्होंने जो काम किया ब्रिटिश ने वो सही नहीं किया काम, कि हमें इन्होंने अनकल्चर्ड कह दिया, अनसिविलाइज्ड कह दिया, और उसके बाद में इन्होंने ये भी कहा कि हम जो है, और हम तो यहाँ पर आए हैं व्यापार करने के लिए, लेकिन बाद में ये यहाँ के रूलर बन गए, यहाँ के हर चीज़ पर कंट्रोल कर लिया, यहाँ के किसानों को जो हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे 1916, 1917, 1918 में डिफरेंट जगह पे जो है आंदोलन हुए किसानों के, और अत्याचार कर रहे थे ये लोग, वो तो बाद में देखेंगे अच्छा, लेकिन इन्होंने अपने बारे में बड़ी तारीफ की। तो जब कॉलोनियल कहते हैं, एक बड़ा मुल्क, ताकतवर मुल्क जो पहले सिस्टम था, और छोटे मुल्क को अपने अधीन कर ले, हुकूमत स्टार्ट कर दे वहाँ पे, उसके इकोनॉमिक पर, और अपने अखराजात, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको अपने अखराजात उससे चलाने लगे, तो उसको हम कॉलोनियल और कॉलोनियल गवर्नमेंट कहते हैं। अब इसमें हमें कौन कौन से सोर्स ऐसे हैं जिनसे हमें इसमें पता चलेगा, किस बारे में पता चलेगा, कि ये जैसे जेम्स मिल के बारे में मैंने बताया, और 1817 की उस किताब के बारे में बताया, जिस किताब में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को तीन हिस्सों में बांटा है। और तो ये वो भी है कि फ्रॉम द मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स और बुक्स से भी हम पता करते हैं कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ दैट टाइम, इंडिया का पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, जैसे अभी इन्होंने किया कहा अपनी किताब में सोशल कंडीशन के बारे में, कि इंडिया इज अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड, अनएजुकेटेड एंड वी द यूरोपियंस आर सिविलाइज्ड। ये बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद ही इन्होंने हमें अंडर एस्टिमेट करना शुरू किया, और फिर ब्लैक टॉन बना दिया मेरे लिए। हालांकि उस टाइम में भी इंडियंस जो होते थे वो जो है फेयर एंड लवली टाइप के होते थे, बड़े खूबसूरत होते थे, वाइट होते थे, लेकिन पता नहीं इनकी कौन सी आँख थी जिसमें, जिन आँख से इन्होंने देखा कि ये ब्लैक्स हैं, तो ब्लैक ट्रेन हो गई इंडियंस के लिए, वाइट ट्रेन हो गई उनके लिए, ब्लैक मार्केट, वाइट मार्केट। और साउथ अफ्रीका में
साउथ अफ्रीका में इन्होंने किससे भी इंतहा कर दिया था, और वहां तो बाजाबते मारते थे, पीटते थे, मारते तो यहाँ भी थे। तो इस तरह से जेम्स मिल ने इस किताब के जरिया एक माहौल को खराब किया यहाँ पे। तो ये सोर्सेज हमारे पास में न्यूज़पेपर्स, लोकल जर्नल्स, मैगजीन्स, बुक्स के वी गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिटेल्स, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हिस्ट्री। इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अब ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को समझ लो जरा गौर से। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आता है सर्वे, सर्वे करवाते थे यहाँ भी जो इंडिया में पहली बार आए, तो दे स्टार्टेड सर्वे। सर्वे इसलिए करते थे कि हम कहाँ कहाँ हम इसे हम रूल कर सकते हैं, कहाँ हमारे मतलब की चीज़ें हैं, कहाँ से हम कोई अच्छी कीमती चीज़, क्योंकि इंडिया को तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, कहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो ये कॉटन भी सर्वे में आया कि कॉटन यहाँ कपड़ा ही बड़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो कॉटन को इन्होंने यहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू किया, फिर इंडिगो को करना शुरू किया, फिर ओपियम को करना शुरू किया, फिर शुगर को करना शुरू किया, स्पाइसेस को करना शुरू किया। इस तरह से इन्होंने सर्वे कर करके और कौन कौन इलाके हैं, कहाँ कैसे हैं, कहाँ से रास्ता कैसे होगा, कहाँ हम ट्रेन का डेवलपमेंट करेंगे, कहाँ हमारा बाई सी रूट होगा, सारा ये सर्वे, ये सर्वे रिपोर्ट है। और जिससे हमें पता चलता है उस जमाने की हिस्ट्री के बारे में, जिसे हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स वेयर कैटेगराइज, वेयर द कैटलॉग, ऑल ऑफिसर हैव रिकॉर्ड रूम्स, म्यूजियम्स, आर्चीव्स एंड लाइब्रेरीज, ये तीन जगह होती थी जहाँ रिकॉर्ड रखे जाते थे। वहाँ एक रिकॉर्ड होल्डर होता था, म्यूजियम में भी होता था, सारे रिकॉर्ड को रखता था, और वहीं से वहाँ के ऑफिसर्स जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्हीं रिकॉर्ड के हिसाब से वो काम किया करते थे। और उसके बाद कैलीग्राफिस्ट को जो लोग रहते, कैलीग्राफिस्ट कहते हैं जो हाथों से लिखता है बड़े खूबसूरत अंदाज में, हम देखेंगे मसाजिद में भी देखते हैं, खत्ताती बोलते हैं, इल्म खत्ताती होता है, है ना, खत्ताती कहते हैं। उसी अरबी को हम लिख सकते हैं या उर्दू को, कोई इतना अच्छा लिख दे कि जिसको मुख्तलिफ अंदाज में जो पेंट कर दिया जाए, तो इसको हम कहते हैं। तो इस तरह के लोग बड़ी बड़ी किताबों पर भी इसके हाशिए पर लिखे जाते थे हाथ से। तो इस तरह का ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इनके पास होता था, और विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग्स ए लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वेर अवेलेबल विद ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और गवर्नमेंट के लिए आसानी थी, ये जो काम करते थे ब्रिटिश ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सर्वे, ये सर्वे के मुताबिक ही तो काम करते थे, कहाँ पर कैसे काम करना है, बहुत सिस्टमेटिक काम था इनका। अब सर्वे बिकेम इम्पॉर्टेंट, तो सर्वे बिकेम इम्पॉर्टेंट क्यों क्यों हुआ, इसलिए कि दे हैड बीन टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एज ट्रेडर्स। यहाँ पे ये सिर्फ तजारत करने के लिए आए थे, जहांगीर वाज द एम्पायर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। इन्होंने उसको एक लेटर दिया अपनी महारानी का और कहा कि इट इज़ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये आपके यानी भारत से, क्योंकि ईस्ट इसलिए नाम रखा गया कि इन वर्ल्ड मैप में उनके जो इंडिया जो था वो ईस्ट की तरफ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा। जहांगीर ने 12 साल का टाइम लिया टू स्टडी, क्योंकि उसके पहले डच लोगों ने भी धोखा दिया था बहुत सारे, और भी तो वो भी फूक फूक के चलना चाह रहे थे। उन्होंने 1612 या 13 ईस्वी में इनको 12 साल 13 साल के बाद इनको फिर परमिशन दिया कि भाई ठीक है आप व्यापार कर सकते हैं। तब इन्होंने सर्वे करने का काम शुरू किया, और अपने फायदे के लिए किया, हमारे फायदे के लिए कुछ भी नहीं किया, और धीरे धीरे ये व्यापार उनका बढ़ने लगा। अराउंड द 19th सेंचुरी सर्वेज वेयर अंडरटेकन टू मैप द इंटायर कंट्री, दे वेयर कैरीड आउट ऑफ एसेस रेवन्यू पैटर्न ऑफ फ्लोरा फौना एंड टोपोग्राफी, द सेंसस वाज स्टार्टेड इन द फाइनल। अब सर्वे की एक बहुत बड़ी वजह और भी थी, रेवनी उनको कमाना था, पैसे कमाने थे, वो इंडिया आए थे, हमारे रिश्तेदार नहीं थे, इंडिया चले आए, वो आए ले थे ओनली टू मेक रेवनी, ओनली टू मेक टैक्स, न्यू टैक्सेस। हमने बताना है आगे की क्लास में बताएंगे हम कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान 1914 में तो फर्स्ट वर्ल्ड स्टार्ट हुआ, पहली बार इन्होंने इनकम टैक्स, उस जमाने में इनकम टैक्स कोई जानते नहीं थे, और इंडियंस पर इनकम टैक्स इन्होंने लगाया था, इम्पोज किया था, इम्पोज कहते हैं जबरदस्त उस पर उसको हावी करना, लाद दिया था जबरदस्त, जबरदस्ती लादा था। तो ये सर्वे इसलिए करते थे कि उनका रेवन्यू बढ़े, कहाँ से कल्टीवेशन ज्यादा हो रहा है, जहाँ से कल्टीवेशन ज्यादा होता था वहाँ से रेवन्यू उनको ज्यादा आते थे,
और जहाँ कल्टीवेशन नहीं भी होता था, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, वहाँ भी रेवेन्यू वसूलते थे ये इनका। और कैसे कैसे एक्सपोर्ट हमारा होगा, कहाँ कहाँ हमारा जाएगा, ये सारे काम ये लोग करते थे। तो इस तरह से इनका था। उसके बाद में द सेंसस वाज स्टार्टेड इन द फाइनल ईयर ऑफ द 19th सेंचुरी। अब आता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अब आता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट रिवील। रिवील वर्ब है। रिवील का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बयान करना, वर्ब है ये रिवील। यानी जैसे कहा जाए कि यू हैव गॉट ए ओल्ड लेटर ऑफ योर ग्रैंडफादर दैट रिवील्स अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ योर फैमिली। आपकी फैमिली के बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिवील कर रहा है, वो दे रहा है और उसके बारे में बताता है वो लेटर, दादा का लिखा हुआ या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या रिवील कर रहे थे? डू नॉट रिवील इवन दो दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स टेल अ सेवरल इंटरेस्टिंग थिंग्स दे डू नॉट अलाउ थ्रो लाइट ऑन द डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल फॉर देम। अब देखो कितनी चालाकी थी इनकी, अंग्रेजों की कितनी चालाकी थी। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि भाई वी आर ट्रेडर्स, हमारा बहुत बड़ा व्यापार है और हम आते हैं ट्रेड करने के लिए। और उसके बाद में धीरे धीरे सर्वे किया और उसके बाद में फिर दे बिकेम रूलर ऑफ इंडिया। रूलर बनने के बाद इतने बड़े रूलर हो गए ये लोग के, वो ये हो गए जिसे हम कहते हैं डिक्टेटर, और जिसे हम कहते हैं 1919 का रोलेक्ट एक्ट पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ा भी है 8 में हम, नहीं अभी तो नहीं पढ़ा है 8 में, आगे पढ़ेंगे इसी क्लास में वो भी है। उसके बाद रोलेक्ट एक्ट हुआ, उसके बाद बहुत सारा है जिसके बारे में, जलियांवाला बाग है, हत्याकांड भी हुआ, 1920 में आंदोलन शुरू हुआ 1922 तक, फिर 1929-30 में शुरू हुआ, फिर 1942 में हुआ। यानी इन्होंने इसलिए ऐसा किया, ये मोर एंड मोर रेलवे का भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया यहाँ पर, और या रोड का डेवलपमेंट किया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमें कमाना है, सामान ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे में आए। कौन सा सामान? लकड़ियाँ। हम 9th में पढ़ेंगे लकड़ियाँ, तो एक एक दिन में सैकड़ों टन लकड़ियाँ जा रही थी इंग्लैंड के लिए, और यहाँ पर वो सब लकड़ी ज़माने में थी, अब तो है भी नहीं। वो थी पूरी वो, जैसे इसका नाम आया है किताबों में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट सेकेंड लेसन में 9th में, कि वो थी शीशम, सागवान, वो महंगी लकड़ियाँ अभी नहीं हैं, अब तो है ही नहीं, अब तो रेयर हो गई। तो ये सब भेजते थे ये लोग, बताते फिगर दिया हुआ NCERT की बुक्स में। तो ये सारे दोनों हाथों से ये लूटते चले गए, और यहाँ पर इन्होंने तो यही बताना है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इनका जो था बहुत हेल्पफुल रहा इनके लिए। लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज़ नहीं बताया कि इंडियंस, व्हाट द इंडियंस एक्चुअली दे आर फेसिंग, दे वेर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, हार्डशिप्स वाज देयर। उनके एक एक गुनाह, एक जुर्म की सज़ा ब्रिटिश को कम दी जाती थी और इंडियन को ज़्यादा दी जाती थी सज़ा, ये सब भी। तो डे टू डे लाइफ के बारे में इन्होंने नहीं बताया, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने सर्वे किया, इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, हमारे माल को, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कमर तोड़ दिया इन्होंने। एक ज़माने में हमारे पास बहुत सारे जो हम कहते हैं हैंडीक्राफ्ट का ज़माना था, और वहाँ पर हमारी चीज़ें काफ़ी बहुत ही हाथों हाथ लिए जाते थे, खरीदी जाती थी चीज़ें इंग्लैंड में, यूरोप के दूसरे इलाकों में, तो उनको बर्बाद कर दिया इन्होंने। उसके बाद हमारे पर 400% टैक्स लगा दिया, और उन और हमारे सामान महंगे हो जाते थे वहाँ जाने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल इस लेसन में हमने ये पढ़ा कि स्पेशली वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, तो वाट इज़ द प्रियोरिटाइजेशन ऑफ द हिस्ट्री। तो देर आर टू प्रियोरिटाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। वन सेक्शन ऑफ द इंडियन हिस्टोरियंस दे कैटेगराइज और क्लासिफाई द हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द डेट्स, दैट इज एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड द सेकेंड वन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड द थर्ड वन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। बट अदर ग्रुप ऑफ द ब्रिटिश हिस्टोरियंस, स्पेशली जेम्स मिल्स, ही वॉज अ राइटर, ही वॉज स्कॉटिश, सो अकॉर्डिंग टू हिम और अदर हिस्टोरियंस ऑफ ब्रिटिश, दे कैटेगराइज हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, द फर्स्ट वॉज हिंदू पीरियड, देन द मुस्लिम पीरियड, एंड द थर्ड वॉज इज द ब्रिटिश पीरियड, जो इन्होंने अपने टाइम में हुकूमत किया। तो यही है इसमें पढ़ना। उसके बाद में हमने कैलीग्राफिस्ट के बारे में पढ़ा, इनके पास होते थे सर्वे, इनके पास में लाइब्रेरी को इन्होंने बनाया और भी दूसरे ऑफिसर को बनाया सर्वे का, और रिकॉर्ड रखते थे, उसी रिकॉर्ड के हिसाब से इनके जो अधिकारी थे, इनके जो ऑफिसर्स थे, वो काम करते थे। तो हमने ये सोर्सेस के बारे में पढ़ा कि थ्रू विच सोर्सेज
we come to know about the Indian history, especially this modern history, जिसके बारे में ब्रिटिश का मॉडर्न ही हिस्ट्री है, हम देखते हैं वहाँ यही सब चीज़ें इन्होंने की। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हमने इसमें पढ़ा, क्वेश्चन में ये सब बातें आ जाएंगी कि इन्होंने हमें कहना शुरू किया, शुरू में आने हमें इन्होंने साइकोलॉजिकली बीमार कर दिया और कहा कि यू आर अनकल्चर, यू आर अनसिविलाइज, तुम्हें तो बहुत पढ़ाने की ज़रूरत है, तुम्हें तो कपड़ा पहनने भी नहीं आता। तो ये इस तरह का इन्होंने अनकल्चर, अनसिविलाइज, अनएजुकेटेड और इस तरह से कह के हम पर हावी हो गए और हमें ग़ुलाम बना दिया। ये सारी चीज़ें हमारे पास इस लेसन में हैं और अगला लेसन हमारे पास तो बहुत इससे ज़्यादा अलग होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि हाउ द कंपनी, वही कंपनी है, इसे कंपनी को मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1601 ईस्वी में भारत आई थी, इस्टेब्लिश्ड पावर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी, वही चीज़ है, उसी को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि हाउ दी बिकेम रूलर फ्रॉम ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच।